हेलो, वेलकम इन एके स्टडी 1024। मैं हूं अरुण कुमार यादव और ये है एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है जिसमें हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी है वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। उसके बाद हमें शो करना है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, मतलब ये लाइन जो है हमें पैरेलल गिवन नहीं है, इसलिए हम पहले ही इंटरनल ऑल्टरनेट एंगल वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप करोगे कैसे इसे। सबसे पहले यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो ये 50 है, 50 डिग्री प्लस में एक्स। ठीक है, देखिए ये 50 और ये एक्स, ये इस लाइन पे बने हुए हैं। ठीक है, मतलब ये लीनियर पेयर हैं, तो इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, आपने इन्हें 180 क्यों लिखा, इसका रीजन आपको लिखना होता है। इसका रीजन आप लिखोगे लीनियर पेयर। ठीक है, जब दो एंगल एक लाइन पे बने हो, स्ट्रेट लाइन पे, तो उन दोनों को जोड़ के 180 आता है। ठीक है, तो यहां से एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखिए एक्स आपको निकालना है, 180 को उसी जगह रहने दो। 50 यहाँ पर प्लस में है, तो 50 जब इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। ठीक है, तो 180 में से आप 50 घटाओगे तो आपको मिलेगा 130 डिग्री, यानी कि 130 डिग्री। तो यहाँ से हमें एक्स मिल गया। ठीक है, अब इसी तरह से जो वाई है वो 130 के सीधा सीधा बराबर हो जाएगा। जो वाई है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 130 डिग्री के। क्यों? क्योंकि जब दो लाइन ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने वाले एंगल्स जो हैं वो बराबर होते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, V4 वर्टिकली, O4 अपोजिट A4 एंगल्स। ठीक है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, और जो यहाँ पे हमें वाई की वैल्यू मिली है इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अगर आप 1 एंड 2 को देखें, ठीक है, तो एक्स भी 130 के ही बराबर है, वाई भी 130 के ही बराबर है। जब दो चीजें किसी तीसरी चीज के ही बराबर हों तो आपस में भी बराबर होती हैं। तो हम लिख सकते हैं इस बात को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 से इनका राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एक्स बराबर होगा वाई के। अब एक्स बराबर वाई क्यों किया मैंने, क्वेश्चन में तो ऐसा कहीं नहीं बोला था कि एक्स बराबर वाई भी दिखाना है। ठीक है, वो इसलिए बराबर किया है क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो एक्स और वाई जो हैं ये अगर बराबर हो गए, मतलब इंटरनल ऑल्टरनेट एंगल बराबर हो गए, तो अगर इंटरनल ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं तो इसका मतलब होता है लाइन जो है वो पैरेलल है, और हमें लाइन पैरेलल शो करना था, इसलिए मैंने ऐसा लिखा यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स और ये वाई बराबर हो गए आपस में। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि इससे हमें पता लगता है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। ठीक है, तो यहाँ हम रीजन लिखेंगे, इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2 का। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।